नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि मिड कैप का फ्राइडे के दिन इंट्राडे में मूवमेंट कैसा था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे कल मंडे वीकली एक्सपायरी के लिए इंट्राडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव एक्सपायरी के दिन देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस प्राइस एक्शन वाले एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों, अपने मिड कैप के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में और फ्राइडे के दिन एक अपन को गैप अप ओपनिंग देखने को मिली जो कि थी अराउंड 46 प्लस पॉइंट्स के आसपास की। उसके बाद देखेंगे एक अपन को रेंज बनाते हुए देखने को मिला है मिड कैप, और जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट किया है अपसाइड में जो कि हायर लेवल है 13,155 का लेवल, वहां से एक अपन को स्कैल्पिंग मूव अपसाइड में देखने को मिली है जो कि था अराउंड 35 पॉइंट्स के आसपास का। उसके बाद देखेंगे तो पूरे टाइम हमें इस रेंज के अंदर ही मोमेंटम करते हुए देखने को मिला है, और कोई भी हमें ट्रेंडिंग मूव देखने को नहीं मिला है। पूरे दिन सिर्फ साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला है इस स्कैल्पिंग मूव के बाद, जिसमें कि सिर्फ अपन को प्रीमियम डीके ही देखने को मिला होगा, और फाइनल क्लोजिंग मिड कैप की अराउंड 13,169 के लेवल के आसपास की देखने को मिली है। तो ये था मिड कैप का फ्राइडे के दिन का इंट्राडे का मूवमेंट का एनालिसिस। अब चलिए पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और वहाँ देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसा क्या प्राइस एक्शन बना रहा है मिड कैप। तो दोस्तों, अपन आ गए मिड कैप के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में, और जो हमें फ्राइडे की कैंडल देखने को मिली है वो एक अपन को एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई देखने को मिली है, साथ ही साथ एक ऊपर की तरफ से हमें रिजेक्शन भी लेती हुई देखने को मिल रही है। अब जो इंपॉर्टेंट अपन को रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो है ये वाला लेवल जो कि है 13,190 का लेवल। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो एक अपन को अच्छी मोमेंटम यहाँ से अपसाइड में कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फिर सीधे आने वाले दिनों में टारगेट 13,500 तक के देखने को मिल सकते हैं। बियरिश मूव अपन को तभी देखने को मिलेगा जब ये लेवल के नीचे हमें सस्टेन होते हुए देखने को मिले जो कि अराउंड 12,944 का लेवल। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है या फिर बोल सकते हैं 13,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, तभी एक अपन को यहाँ से एक डाउन साइड में पैनिक सेलिंग वाला मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक अपन को बहुत अच्छा कंसोलिडेशन मूव देखने को मिला है। तो जो भी इसके नीचे अगर सस्टेन करता है मिड कैप तो एक अपन को डाउन साइड की एक बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है, जिसमें फिर सीधा टारगेट अपना 12,730 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और जब तक इन दोनों लेवल्स के बीच में मोमेंटम करे, यहाँ पे एक अपन को वॉलेटाइल मूव मिड कैप में कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये था मिड कैप का डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस कि अपन को आने वाले दिनों में कैसा क्या मूवमेंट और कहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और वहाँ डिस्कस करेंगे मंडे वीकली एक्सपायरी के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों, अपन आ गए मिड कैप के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में। सबसे पहले अपन बात करेंगे बियरिश मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिल सकती है। बियरिश मूवमेंट अपन को तभी देखने मिलेगी जब ये लेवल का ब्रेकडाउन करे जो कि है 13,143 का लेवल। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो एक अपन को अच्छी मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट 13,114 तक के देखने को मिल सकते हैं, और इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे एक अपन को गैप एंडिंग देखने को मिल रहा है। तो गैप फिलिंग यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है जो कि लेवल है 13,080 का लेवल, और अगर इसको भी ब्रेकडाउन करता है तो सीधे फिर जो अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 13,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, और अगर इस लेवल को भी ब्रेकडाउन करता है तो सीधे जो अपना फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 12,945 का लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है डाउन साइड में, अगर 13,143 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है मिड कैप तो। अब चलिए देखते हैं बुलिश मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। बुलिश मोमेंटम तभी देखने को मिलेगी जब ये लेवल का ब्रेकआउट करे जो कि है ऑल टाइम हाई लेवल 13,190, या फिर और अपन अप्रॉक्स मार्क करें तो रहेगा 13,200 का लेवल। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो एक अपन को अच्छी मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकती है, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 13,250 का लेवल, और अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट 13,300 तक के देखने को मिल सकते हैं, और जो अपना थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 13,350 का लेवल, और अपना फाइनल टारगेट रहेगा 13,400 का लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में, अगर 13,200 के लेवल को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है मिड कैप तो। अगर मिड कैप इस रेंज में मोमेंटम करे जो कि है ये वाली रेंज, तो यहाँ पे एक अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और ऐसे साइडवेज मोमेंटम में अपन को प्रीमियम डीके भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचे, और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे जो कि है 13,200 का लेवल अपसाइड में, या फिर डाउन साइड में 13,143 का लेवल ब्रेकडाउन करे तो एक अपन को अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे मिड कैप। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है क्या, तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। मंडे के लिए एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन ये वाली देखने को मिल रही है, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है साथ ही साथ ये वाला लेवल भी ब्रेकडाउन करे तभी एक अपन को डाउन साइड में एक बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट पर जरूर मार्क करें, और किसी बड़े गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में अपन को कुछ अच्छे प्राइस एक्शन के बनने का वेट करना पड़ेगा, या फिर कोई एक अपन को अच्छी एक रेंज बनती देखने मिले, और इस रेंज के कंसोलिडेशन के बाद जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे उस तरफ एक अपन को अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आया होगा और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, जहां इंट्राडे के लिए लेवल्स, ट्रेंड्स और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।